हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है यूनिक लैब टिप्स चैनल पर। और अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, और बेल आइकन को भी ऑल पे दबा देना ताकि सारे जो नोटिफिकेशन है वीडियोस के वो आपको मिल सके। और इस चैनल पर मैं रिलेशनशिप के प्रॉब्लम से रिलेटेड, लैब टिप्स रिलेटेड और मोटिवेशनल वीडियोज़ को पोस्ट करती हूँ। तो अगर आपने चेक नहीं किया है जल्दी से जाके चेक कीजिए, बहुत सारे वीडियोज़ चैनल पर अवेलेबल है। और जितना हो सके वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आज का जो वीडियो का टॉपिक है दोस्तों, वो है ये काम करने से पार्टनर आपको कभी भूल नहीं पाएगा। तो कौन सी वो काम है जिनको करने से पार्टनर आपको कभी भूल नहीं पाएगा, उसी के बारे में आज हम जानेंगे दोस्तों। वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो हम यही सोच के आते हैं कि ये जो इंसान है इसके साथ हमको पूरी ज़िंदगी बितानी है, इसके साथ ही हम अपने फ्यूचर को बिताएंगे। लेकिन बाद में जाके चीज़ें जो है बदल जाती हैं, चाहे वो सरकमस्टेंसेस की वजह से हो या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो, लेकिन बदल जाती है। लास्ट में जाके ब्रेकअप भी कभी कभी हो जाता है। तो आज हम इसी के ऊपर थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, कैसे आप अपने पार्टनर की कमी बन सकते हो ताकि आपका जो पार्टनर है वो आपको कभी भूले ना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पॉइंट्स को देख लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वो है कमी बनो, ज़रूरत नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको आपके पार्टनर की कमी बननी है और उसके लिए आपको एक अच्छा फ्रेंडशिप बनानी है पार्टनर के साथ, ताकि रिलेशनशिप में जब आप जा रहे हो, रिलेशनशिप का पहला जो पार्ट होता है वो फ्रेंडशिप से ही स्टार्ट होता है, उसके बाद आता है ट्रस्ट फैक्टर। और फ्रेंडशिप अगर आप अच्छी बना लेते हो, अगर फ्रेंडशिप आपका स्ट्रॉन्ग बन जाती है तो ही आप ट्रस्ट को भी बिल्ड कर सकोगे। तो अच्छी फ्रेंडशिप बनाओ पहले, उसके बाद ट्रस्ट बिल्ड करो, ठीक है? धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि दो दिन में ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है, उतना पेशेंस तो आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप रिलेशनशिप को लेके सीरियस है तो, और अगर टाइम पास कर रहे हैं तो इस पॉइंट्स को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सच में चाहते हो कि उस इंसान को आप अपने लाइफ में लाइफ टाइम के लिए रखना चाहते हो, या फिर उसके बिना आप कहीं सोच ही नहीं सकते हो, तो ऑब्वियसली आप उसको सीरियसली ही लोगे, राइट? तो अगर आप सीरियस हो, अगर आप सच में चाहते हो कि उस इंसान के साथ आप ज़िंदगी बिताओगे, तो पहले बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करो। और बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने की जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट जो स्टेप है, वो है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप को अच्छे से करो ताकि वो जो इंसान है उसका जो ट्रस्ट है वो आपके ऊपर बिल्ड हो सके, ठीक है? नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, वो है कि ज़्यादा एफर्ट मत लगाओ। क्योंकि ज़्यादा जब आप एफर्ट लगाते हो ना, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे वो लाइफ की कोई भी पार्ट क्यों ना हो, एफर्ट जहाँ पे आप लगाते हो वहाँ पे एक ना मैकेनिकल थिंग वो हो जाता है, मतलब एक मैकेनिकल टाइप की लगने लगता है चीज़ें। जो अपने हिसाब से होता है उसको अपने हिसाब से होने दो, ठीक है? जैसे कि आपको अपने पार्टनर के साथ बात करने का मन कर रहा है तो आप क्या करोगे, 50 कॉल कर दोगे? तो ऐसा नहीं करना है, अपने आप को थोड़ा रोको। क्योंकि आपको बात करने का मन कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना जो फीलिंग है उसको जाके एक्सप्रेस कर दोगे तुरंत। आपको थोड़ा सा होल्ड करना है अपने फीलिंग्स को, ठीक है? क्योंकि आपको उस टाइम का वेट करना है जब उसके मन को भी ये लगे कि वो भी आपके साथ बात करना चाहता है या बात करना चाहती है। मतलब थोड़ा वेट करो, थोड़ा पेशेंस रखो, ताकि जो आपका पार्टनर है वो भी सामने से आए। हमेशा आपको ही पहले से नहीं जाना है, जंप मत करो, पहले से ही मत कूद जाओ, ठीक है? कि बात करनी है, मिलना है, जैसे कि कोई मिशन कर रहे हो आप। तो ऐसे अगर मैकेनिकल तरीके से आप रिलेशन को हैंडल करोगे ना, तो उसका जो एक मिठास है, उस रिलेशन का जो एक सॉफ्टनेस है ना, वो ख़त्म हो जाती है यार, समझ रहे हो ना? तो चीज़ों को थोड़ा सा अपने हिसाब से चलने दो, ज़्यादा एफर्ट्स मत लगाओ, ठीक है? नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, वो ये है कि हमेशा एक अच्छी एक्सपीरियंस दो अपने पार्टनर को और एक अच्छी मेमोरी देने की कोशिश करो। इस पॉइंट को मैं थोड़ा क्लियर करूँगी एक एग्जांपल के साथ, ताकि आप सबको आसानी हो समझने में। जैसे कि मान लो आप मार्केट में गए हो और आपने एक प्रोडक्ट खरीदा जिसका पैकेजिंग बेहद सुंदर है, और आपने वो प्रोडक्ट ले लिया। जब आपने उसको यूज़ किया तो आपको अच्छा नहीं लगा, तो बाद में जब आप मार्केट में जाओगे उस प्रोडक्ट को आप नहीं लोगे। लेकिन उसकी जगह पे आपने और एक प्रोडक्ट देखा जिसका
जो पैकेजिंग है वो अच्छा नहीं था, लेकिन उसका क्वालिटी बहुत अच्छा था। आपने जब यूज़ किया तो आपको पता चला कि उस प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा था, ठीक है। तो बाद में जब आप मार्केट में फिर से जाओगे तो आप उस प्रोडक्ट को ही लोगे जिसका क्वालिटी अच्छा था, क्योंकि उसके साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा था, ठीक है। और जो पहले वाला प्रोडक्ट था जिसका पैकेजिंग सिर्फ अच्छा था, उसके साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। तो ऐसे इंसान का भी जो ह्यूमन साइकोलॉजी है ऐसे ही रन करती है दोस्तों। जिसके साथ हमारा एक्सपीरियंस अच्छा होता है हम उसी के पास जाएंगे, ना कि जिसके साथ हमारा एक्सपीरियंस ख़राब है हम उसके पास जाते हैं, राइट। तो आपको भी अपने पार्टनर को ऐसे एक्सपीरियंस ही देना है जिससे वो आपके पास फिर से आए, या फिर वो आपको मिस करे, या फिर उसको हमेशा ये फील हो अंदर ही अंदर कि आपके साथ बिताए हुए हर पल हर मोमेंट बहुत ही अच्छा था, वन ऑफ द बेस्टेस्ट मोमेंट था। तो ये जब भी उसको फील होगा तभी वो आपको मिस करेगा, और आपको छोड़ के वो कभी रह नहीं पाएगा या रह नहीं पाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो अच्छी मेमोरीज देने की, अच्छी एक्सपीरियंस देने की कोशिश आपको करनी है, ठीक है।